क्वेश्चन इस तरह से है यार। सबसे पहला क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलाम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी ऑफ स्ट्रेंथ 0.20 जी कैप प्लस 0.40 के कैप टेस्ला। एग्जिट्स इन स्पेस फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ठीक है। देखिए क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा तुम लोगों को इस क्वेश्चंस के से पहले जो थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है और उस वो क्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको बहुत जानना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है, वो ये है कि आपको ये रिमेम्बर रखना है हमेशा कि हमारे पास हमेशा अगर तीन एक्सिस होती हैं जब हम थ्री डायमेंशन की बात करते हैं ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, इसका होता है जे कैप, और इसका होता है के कैप। क्लियर है, आई जे और के। और हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट वो होता है ए बी कॉस थीटा, और दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इन आई डॉट आई कैप करते हैं, जे डॉट जे कैप करते हैं, इक्वल टू के डॉट के कैप, तो इनकी वैल्यू होती है हमेशा वन। ये याद रखना है, ये पॉइंट्स आपके लिए रिमेम्बर पॉइंट्स हैं। और आई डॉट जे जे डॉट के I डॉट जे जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई आई डॉट जे जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू वन, और आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है। आपको कुछ याद रखो या ना रखो पर लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है
और उन दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक। और ये हो तो हो गया इनका डॉट यूनिट वेक्टर का, और एक्स एक्सिस का होता है आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, वाई का होता है जे और जेड का होता है के। नेक्स्ट, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, और आई क्रॉस जी इज इक्वल टू के कॉमा जी क्रॉस के इज इक्वल टू आई कॉमा के क्रॉस आई इज इक्वल टू जी। क्रॉस प्रोडक्ट में ये वैल्यूज होती हैं, लेकिन अगर जे क्रॉस आई हो जाएगा तो माइनस के वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में, और अगर के क्रॉस जे हो जाएगा तो माइनस आई। तो ये इस तरह से साइकिल चलती है इनकी। अब हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको दिया हुआ है वेलोसिटी स्पीड दे रखी है, चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम मूव्स विद स्पीड 2.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कहाँ है, इस वाली एक्स एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, 0.20 जे प्लस 0.40 के। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इन दो एक्सिस के अलोंग है। क्या आप समझ में आ रहा है आपको? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अब देखो थोड़ा, हाँ, अगर हमारे पास जो दो वेक्टर हैं वो इस तरह से हैं, इफ ए वेक्टर की वैल्यू है ए वन आई कैप बी वन जे कैप सी वन के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है, क्योंकि क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, क्या होगा इन दोनों का, सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा आई वन आई वाले का आई वेक्टर के साथ, क्योंकि देखो आई आई जे जे के वन, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा ऐसे ए वन आई कैप प्लस ए बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप डॉट ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप। तो ए डॉट बी हो जाएगा आपके पास ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, है ना सिंपल। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ उन्हीं को लोगे, क्योंकि आई डॉट अगर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते जे वाले के साथ तो क्या आता है जीरो, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है जीरो होता है, और जे डॉट के क्या होता है जीरो, के डॉट आई क्या होता है जीरो। तो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आसान है अगर आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं आई जे के फॉर्म में। जब भी आपको आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया होगा तो आप ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे। लेकिन थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर समझोगे तो बहुत ईजी है समझने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, क्योंकि देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जब हम लॉरेंज फोर्स फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। समझ में आ रहा है आपको? अरे हाँ ना बोलो, ये हमने निकाला है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो इसलिए हमें वी क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि अगर दो
वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, समझ रहे हो? उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो, वह उनका क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, और आई जे के लिख लिया, ए की वैल्यूज क्या है, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, बी की वैल्यू क्या है, ए टू बी टू, ए टू बी टू, अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो, ए टू बी टू और सी टू। अगर हम इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये करते हैं, देखो हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम, अगर हमें आई का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें इसको छुपा देना है, इसको छुपा देना है, और किन का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी वन सी टू सी वन बी टू, ऐसे देखो ये छुप जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और ये आएगा आई कैप। क्या इतना समझ में आया? अरे ये फाइंड करना समझ में आया, कैसे हम आई को निकालेंगे, यहां पे इन दोनों को छुपा देंगे ऐसे, और इनका क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये आ जाएगा नेक्स्ट। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, जब हम जे के लिए फाइंड करेंगे, जे कैप के लिए, तो आप नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, पहले पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव। अब जे के लिए देखिए, जे वाली लाइन छुप जाएगी, अरे अब क्या करूं भाई, मैं स्वच्छ भारत अभियान तो हर जगह चल रहे हैं, ठीक। अब देखो ये, अब इन दोनों को छुपा देना है यहां, ये देखो, तब हमारे पास क्या बन, ये दिख रहे हैं, अब क्या होगा, ए वन सी टू ए टू सी वन, समझ में आ रहा है? जब मैं जे को फाइंड करूंगा तो जे वाली लाइन पूरी ढक जाएगी और ये वेक्टर भी ढक जाएंगे, ए वन ए टू ए वन सी टू क्रॉस में होगा, तो मैं इसको कैसे लिखूं? अब देखो मेरे को थोड़ा सा इसमें से एक चाहिए भाई, है मेरे पास तीन ही है, तो क्या हो जाएगा, ए वन सी टू, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, और इसके बाहर क्या आ जाएगा, जी कैप। क्या ये जे कैप वाला भी फाइंड आया, मतलब फाइंड करना समझ में आया? अरे प्यारे बच्चों, आपको क्या बोला, पहले ए का फिर जे का, अब आपको के वाला फाइंड करना है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, पॉजिटिव साइन लगेगा अभी, ठीक है, पॉजिटिव साइन लगेगा, अब आपको के का चाहिए, तो के को इस तरह से और इस तरह से आप छुपा देंगे, के को आप ऐसे छुपा देंगे, के को किसी को दिखाना नहीं है, के को दिखाना नहीं है। अभी क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए वन बी टू बी वन ए टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू और के कैप, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ये नॉट कर लिया होगा, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी टू ए वन बी टू, अच्छा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सही है, ए वन बी टू और बी वन ए टू, ठीक है, थैंक यू, ठीक। अच्छा ये क्लियर हुआ अभी, ओके ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं अभी, अब हम समझ चुके हैं जितना हमें समझना था। देखिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, अब क्वेश्चंस साफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अ चार्ज ऑफ 20
2.0 माइक्रोकुलम्स मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 2.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो मैं वी को क्या लिख सकता हूँ, वी वी इज अ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो वी वेक्टर वी मेरे पास आ जाएगा कितना, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो 2.0 और इनटू 2.0 और इनटू 10⁶ और एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और ये मीटर पर सेकंड है. ठीक है, मीटर पर सेकंड आई कैप. और बी क्या है, बी तो आपको पास पहले से ही फाइंड है कि 0.20 जे कैप प्लस 0.40 के कैप. तो आप पहले, सबसे पहले आपको फोर्स फाइंड करना है, तो आपको पहले वी क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा. तो आप पहले लिख लो फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, एफ इज इक्वल टू होता है एफ एम मैग्नेटिक फोर्स क्यू V क्रॉस B. इसलिए आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा V क्रॉस B. तो V क्रॉस B आप फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वही I कैप, J कैप और K कैप. देखिए इसके साथ सिर्फ I कैप है, तो आप यहाँ पे सिर्फ I को मेंशन करिए, 2.0 × 10⁶. J नहीं है, K नहीं है, 0 0. यहाँ पे 0.20 J, आई नहीं है, जीरो, और यहां पे कितना है, 0.20, और यहां पे कितना है, 0.40. क्या वेक्टर क्वांटिटी में यहां तक लिखना समझ में आया? अभी इसका क्या कर लो, फाइंड कर लो वेक्टर प्रोडक्ट आई का. देखो आई को फाइंड करना है, आई में ये छुपाएंगे. अब जब ये छुपाएंगे, जीरो को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, जीरो जीरो को यहां पे मल्टीप्लिकेशन, जीरो. तो पहला टर्म क्या आएगा, जीरो, नेगेटिव साइन. अब जे का, जे के लिए मुझे इन दोनों को छुपाना पड़ेगा, क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ. तो जीरो वाले के, तो जीरो वाले के साथ जीरो हो जाएगा, और होगा क्या, 2.0 × 10⁶ मल्टीप्लाई 0.40 माइनस 0 जे कैप. इसको छुपाएंगे ना, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये वाला तो 0 आया, और इसके मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये आ गया 0.40 और मल्टीप्लिकेशन ये, और पॉजिटिव साइन. फिर इसके साथ आप क्या करोगे, के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, जीरो, 2.0 × 10⁶ × 0.20. तो क्या मैं जीरो लिखूं, माइनस जीरो और के कैप. ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा. क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं. तो देखो मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2.0 × 0.4, तो कितना हो जाएगा, 0.8. ठीक है, और माइनस का × 10⁶ जे कैप, और पॉजिटिव साइन, 2 × 4 0.40 × 10⁶ के कैप. देखो जरा सही है, अरे सही है ये नहीं है, ये आ गया V क्रॉस B. ठीक है, ये आ जाएगा V क्रॉस B. अब आप फाइंड कर लो F, दिस एफ एम इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू है 2.0
माइक्रो कूलम, 2.0 माइक्रो कूलम, और ये v क्रॉस v की वैल्यू आ गई है। ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आया इतना। 2.0 और माइक्रो कूलम को क्या लिख सकते हैं, 10^-6, और 10^6 कॉमन ले लो ब्रैकेट से बाहर, बस ये देखो हो गया। इससे ये कैंसिल, ये -6 का, ये +6 का है, कैंसिल। माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम है। इक्वेशन में दिया तो था कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2.0 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 2.0, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, 2.0 - 0.8 तो हो जाएगा 1.6 - 1.6 जे प्लस, और ये हो जाएगा 0.8, ये जाएगा 2.48 और के गैप, ठीक है, ठीक। और इसको ये आ गया आपका फोर्स न्यूटन, और ये वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था बच्चों, ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, किसमें, एक वेक्टर्स की फॉर्म में फाइंड करा हमने मैग्नेटिक फोर्स को। तो एक बार समझा लूं फिर से, या फिर तुम लोगों को समझ में आ गया है तो हाँ ना बोलो। देखो अभी क्वेश्चन मैं फिर से दिखा रहा हूं एक बारी, और आपको ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी। तो अ चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2.0 × 10^6 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ स्ट्रेंथ ये टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो ये आपको फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करना था, तो आपको वेलोसिटी और ये दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी में दिए हुए थे, तो इसलिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को बताया आपको कि क्या क्या होते हैं ये चीज़ें। और ठीक है, फिर इस तरह से एक्स वाई जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, और i.i j.j k.k इक्वल टू 1, i.j j.k k.i इज इक्वल टू 0, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, और अगर i क्रॉस j करेंगे या j क्रॉस i करेंगे तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आती हैं। और अगर आपके पास दो वेक्टर सपोज ये दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ये होगा, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस चीज का यूज हमने यहाँ पे करा, और हमने देखा इस सारे क्वेश्चंस को किस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमें फोर्स पता था, फोर्स का फॉर्मूला पता था, क्यू वी क्रॉस बी, और हमने वी क्रॉस बी लगा करके ये फाइंड कर दिया फोर्स, और ये वैल्यू पुट करी यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले में, और क्यू था 2.0 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10^-6, तो 10^6 कॉमन लिया बाहर और कैंसिल हो गया, तो आपके पास फोर्स आ गया न्यूटन में। तो आया नहीं आया, जूल चमका, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक, ओके, चलो अभी आते हैं एक नेक्स्ट टॉमर, उन्माद गेमर। देखो भैया, तो देखो भैया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद है एक नया टॉपिक जो बहुत इसी का ही है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो हमें कहीं पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए,
दिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो सबसे पहले कि हम आपको थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री बता देते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसने सबसे पहले फाइंड करा, क्या था उनका नाम। ठीक है, तो नील्स बोर नाम के कोई साइंटिस्ट थे, नील्स बोर। आगे चैप्टर नंबर 12 में आप इनके बारे में और डिटेल से पढ़ोगे। और 1911 में इन्होंने क्या करा, एक स्टोन जैसे कह सकते हैं, एक पत्थर स्थापित करा मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स जो कुछ भी आप ये पढ़ रहे हो ये सब कुछ एक मैकेनिक्स है, जिसको हम पढ़ते जिसको हम अभी बोलते हैं इसे जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये, पर लेकिन जो रिवॉल्विंग करना किसी बॉडी का, जैसे ऑर्बिटल मोशंस हो गए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, और स्प्रिंग में लगने वाला जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, कॉलिजन होता है बॉडीज का, इम्पल्स हम पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो ये सब हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन बोर भाई साहब ने क्या करा कि उन्होंने एक मैकेनिक्स में, ऊपर इतना ही ऊपर है भैया, अर्स ये ऊपर ही है, क्या करा 1911 में एक नई तरह की इन्वेंशन करा जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में था क्या कि उन्होंने कहा दी इलेक्ट्रॉन्स, दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, अ नेगेटिवली चार्जेस, इलेक्ट्रॉन अ नेगेटिवल चार्ज्ड चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। चार्ज न्यूक्लियस, तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज नेचर के हैं वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन करते हैं, ठीक है, या रिवॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो पहले थ्योरीज आई थी जैसे रदरफोर्ड की, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद देखो ये ना थोड़ा सा इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन का भरा है, कहीं कहीं पे हम इसको बोर भी लिखते हैं, ठीक है, और कहीं पे बोहर भी लिखते हैं, तो सिंपल से ये समझ लेना कि बोर ही है, वैसे जनरली बुक्स वगैरह पे बोर है, ठीक है, बोर, बोर मॉडल, ठीक है, उत्कर्ष भी बोलते हैं, ब ब पे ओ की मात्रा आर, और कहीं वहीं पे बोहर, बोहर, बोहर भी बोलते हैं, तो इट्स ओके। बस मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये वो थे शख्स, ठीक है, बाकी थ्योरी पे हमारा फोकस होना चाहिए कि थ्योरी है क्या। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड अस मोशंस करते हैं लेकिन कुछ टाइम के पश्चात वो उसके अंदर घिर जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं कि वो उनके पास फिक्स एनर्जी होती है और वो उसके अराउंड अस चक्कर काटते रहते हैं फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में, जैसे कि न्यूक्लियस सच एज अ प्लेनेट रिवॉल्व्स
अराउंड अराउंड दिस सन, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन के। बस फर्क ये है कि जो प्लैनेट्स मोशन करते हैं अराउंड द सन के वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, केमिस्ट्री में भी सुना होगा, तो उनमें फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलाम फोर्स। द फोर्स इन द फॉर्मर केस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलाम फोर्स, व्हाइल इट इज ग्रेविटेशनल फॉर द प्लेनेट सन केस। ठीक है सर, तो बना लेते हैं कि किस तरह से मोशन करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस जड़ी, जड़ इज अ एटॉमिक नंबर, ये आर रेडियस है और इसके अराउंड अस ये चक्कर काट रहे जर, ये कौन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं सर ये। ठीक है, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होगा म्यू, और इसकी डायरेक्शन ये होगी क्रॉस, क्रॉस मतलब राइट हैंड रूल से। अभी आप ये मान लो कि ये क्या है जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये वाला रिवॉल्यूशन अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इसके तरफ, सो एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड क्रॉस, जैसे कि कोई एरो होती है और एरो का पिछला वाला हिस्सा दिखेगा अंदर जाता हुआ, क्रॉस साइन डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस सी, और इसकी वैल्यू होती है आपकी इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, परफॉर्म एक मिनट हाँ परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड स्टेशनरी हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज, न्यूक्लियस को थोड़ा सही कर देना, चार्ज प्लस जेड ई, दिस कॉन्स्टिट्यूट अ करंट आई, वह और आई इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉन है और टाइम क्या होगा एक रिवॉल्यूशन का मेजर कर रहे हैं तो रिवॉल्यूशन होगा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है,
अभी तुम क्या बोलो डायग्राम को समझाना है, तो डायग्राम में है क्या कि प्लस जेडी क्या है, न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स रेडियस आर की। और जब क्या होगा, अभी तुम क्या कहो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्रॉस होगा, कि देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स या करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज होगी तो पेपर में मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, मतलब अंदर की तरफ होगी एंटी क्लॉक वाइज में, और क्लॉक वाइज में बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब है पॉइंट, जैसे कि एक एरो है तीर का, तो तीर का पिछला वाला हिस्सा ये होता है ना, ऐसे ये, तो आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा जब वो डाउनवर्ड जाएगा, अंदर की तरफ जाएंगी लाइंस, ये वाला पार्ट दिखाई देगा जो कि क्रॉस होगा। लेकिन अगर आपको सामने से आती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइनें तो क्या होगा, डॉट दिखेगा आपको। तो इस तरह से इसकी वजह से यहाँ पे इसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। हम पहले भी जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है। क्या बात समझ में आ रही है हर्ष, तुम पूछ रहे थे ना ये डायग्राम को कैसा है, समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कहा मैंने, आई इतना आ गया, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आई इंटू ए, और ई क्या है, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पाथ का, और ई वी अपॉन टू पाई आर, आई की वैल्यू रखी और आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ई वी अपॉन ई वी आर अपॉन टू, ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो हमें करने हैं वो क्या है, क्या म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन टू एम ई, एम ई से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, एम ई वी आर हो जाएगा, एम ई से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन टू एम ई इंटू एल, व्हाट इज एल, वेयर एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, वेयर एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंट्रल न्यूक्लियस। और इसको ये भी लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू एम ई वी आर। ध्यान आ रहा, समझ में आ रही है, तो यहां पे इस तरह से म्यू अपॉन एल हो जाएगा आपका ई अपॉन टू एम ई, और इसे बोलते हैं इस पूरी म्यू अपॉन वैल्यू को गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो मैग्नेटिक रेशियो म्यू अपॉन एल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन के रेशियो को बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये रेशियो क्या है, ये फाइंड किया हुआ है और इज अ कॉन्स्टेंट, ये जे जे थॉम्सन ने ही फाइंड करा था, तो और इसकी वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज
8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम और मास का होता है केजी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो गैरो मैग्नेटिक रेशियो समझ में आया कि गैरो मैग्नेटिक रेशियो है क्या? म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ई बाई टू एम, टू एम ई, दिस इज अ गैरो मैग्नेटिक रेशियो। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। और इसी के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास का रेशियो। इसको हम क्या करते हैं, एक ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया है, लेकिन हमें वेलोसिटी पता हो अगर, ठीक है। और जे जे थॉम्सन को 1913 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, ये ई अपॉन एम ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जे जे थॉम्सन को मतलब ई अपॉन एम रेशियो फाइंड करने के लिए, रेशियो फाइंड करने के लिए 1913 में जे जे थॉम्सन को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, ई अपॉन एम रेशियो फाइंड करने के लिए जे जे थॉम्सन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है बच्चों। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। ये समझ में आया गैरो मैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? ठीक, जब कोई क्या करे, रिवॉल्यूशन करता है कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अस। ठीक है सर, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास टाइम है कितना? ठीक है, छोटा सा टॉपिक है अभी, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मोशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाए तो मोशन, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। मोशन इन कंबाइंड, अच्छा नीचे हो गए थे दिख नहीं रहा था, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सबसे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर अभी दिख रहे हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर होता है क्या है? अ चार्ज, सिंपल से वेलोसिटी को सिलेक्ट करना कि कौन सी वेलोसिटी डिफ्लेक्ट नहीं होगी और सीधे मूव कर जाएगी। सो अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v in presence of both electric and magnetic field experience a force।
तो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स करेंगे तो कौन से, यूजिंग लॉरेंज फोर्स। अरे लॉरेंज फोर्स ये तो कहते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई पॉलस